हेलो हाँ भाई मलाइका, क्या हुआ? अरे बनोड़ी जी, आपको याद है एक बार मैं एक लड़की का वीडियो दिखा रही थी, फोटो। वीडियो फोटो नाम ना सुनो मलाइका, नाम नाम दे के बात करो प्लीज। अब कि कौन सी लड़की का क्या तुमने क्या दिखाया होगा, हाउ डू आई नो, नाम लेके आयशा बात करो। आयशा खान का फोटो दिखा रही थी। आयशा खान का फोटो? मतलब आयशा खान ऐसे डिजाइन या आयशा गोल बाहर थे, आयशा? अच्छा दिल्ली की जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोली थी। अच्छा अच्छा वो तेरी तू और शेरनी एंड मतलब के, हाँ, मतलब के वो शेरनी और तू उसके कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे ना, मेरा तुमसे झगड़ा हो गया था। हाँ तो क्या हुआ, उस बात का क्या हुआ? तो आज मेरे पास और एक चीज आई है। और एक चीज आई है मतलब? अरे वो आपके दोस्त थे ना, अनाम। तो अनम का क्या है तुम्हारे पास? नंगा वीडियो पूरा ओपन। नहीं, वो ऐसी नहीं है यार, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आधा मैं पूरा इंडिया में बांट चुकी हूँ, आप लोग पूछ लो। लेकिन जो पूरा नंगा है वो मैंने अभी तक किसी को दिखाया नहीं। अरे नहीं कर सकती यार, वो ऐसा नहीं है। देख यार अमेरिकन, मैं तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ मलाइका, ठीक है? यहाँ अमेरिका में बहुत ही फ्रेंडली माहौल रहता है, ठीक है? यहाँ पे चुद्दम चुदाई पे, कुत्तम कुताई पे, यहाँ पे इतना कोई मलाल नहीं होता है, अरे समझती है? ठीक लेकिन है? मेरे पास नंगा वीडियो आया ना, उसका क्या? नहीं, देख यार वो मुझे नहीं लगता है कि वो बंदी ऐसी है, मतलब कि मेरी उसके साथ 5-6 बार बात हुई है और मुझे नहीं लगता है कि वो बंदी ऐसी है, और शायद एक बार तो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी साथ में बात की थी, तुझे भी पता है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि वो बंदी है, अगर उसने ऐसी कोई हरकतें की होगी। मतलब ये वीडियो तुझे किसने भेजा, किसने? अनम अनम को तो अभी मैं 15-20-25 दिनों से जानता हूँ। वो उन लोग पहले से जानते आपस में एक दूसरे को, 7-8 महीने से। और वो वीडियो कॉलिंग में रोज सेक्स करती है, ओपन दिखा दिखा के। उसने उसको हर्ट किया है, जिसके साथ ये चुदाई करती थी ऑनलाइन, उसको हर्ट किया है उसने। और उस लड़का वो पागल हो गया। जब से रोहित राठी ने उसका स्टोरी डालना चालू किया ना, तो वो हाँ लड़का है अपना उधर का, एनसीआर का गुज्जर है, स्मार्ट है। अच्छा, तो 6-7 महीने पहले ही अनम और वो लड़का दोनों कांटेक्ट में थे, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी वीडियो कॉल जो कुछ भी हुआ, तो अब वो लड़के के पास अनम की वीडियो है? हाँ थोड़ा सा झलक दिखा दूँ मैं, एक छोटा सा नहीं, और वो वीडियो वायरल कौन करेगा, मैं करूंगी। क्यों? मुझे करना है अभी वायरल। वो मलाइका नहीं हो सकता, तुझे पता है अनम की, तेरी चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, चाहे किसकी भी कंट्रोवर्सी हो, आगे भी आयशा खान के लिए देख, उसके लिए मैंने तेरे और शेरनी के साथ झगड़ा किया था, ये बात पूरे इंस्टाग्राम को पता है, ठीक है? अगर तेरे पास उसकी कोई भी न्यूड पिक्चर या कोई भी वीडियो आई है ना भाई, तू उसको वायरल नहीं करेगी, और वो जो भी बंदा है, जो बंदे के साथ उसने जो भी किया होगा, ठीक है भाई, उस टाइम पे उसने जो भी किया होगा वो बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके किया होगा। अब वो बंदे ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, अब आज वो बंदा उसको ब्लैकमेल कर रहा है या चाहे जो कुछ भी कर रहा है, तो ये बात तो भाई गलत है, ठीक है? नहीं, इस बार क्या है ना, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। क्यों पता है, इस नहीं, रणनीति तू मत सुन 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 तू मत छोड़, तुझे गाली देनी है, तुझे जो करना है, तुझे जो करना है कर, लेकिन ये जब भी ये न्यूड पिक्चर या न्यूड वायरल की बात आती है, ठीक है, मैं भाई इस चीज के अगेंस्ट हूँ, और सुन ले मलाइका, मैं नहीं, पूरा इंस्टाग्राम तेरे अगेंस्ट हो जाएगा भाई, ये चीज गलत है। मैं आयशा खान के लिए मैंने झुक गई थी, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी मैं।
नहीं, झुकने की बात ही नहीं है ना, ये तो इंसानियत की बात आती है भाई, इंसानियत की बात आती है भाई। तूने भी सेक्स किया होगा, अब गलती से कोई तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल कर देगा तो उसमें तेरी गलती थोड़ी है। मैं तो बोलती कर दे, तो तुझे तो तहजीब नहीं है ना, तुझे कहाँ तहजीब है। नहीं है। हाँ तो फिर देख मलाइका, तू मेरी दोस्त है, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। हमारा एक ही बार झगड़ा हुआ, दो बार, वो एक तो वो मलाइका आयशा को लेके, दूसरी बार वो गुजरात की कंट्रोवर्सी वाले पे हम दोनों का झगड़ा हुआ था। उसके बाद आज तक तूने जिसको भी गाली दी होगी, चाहे कुछ भी किया होगा, तेरे अगेंस्ट मुझे लोगों ने खड़ा करने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक मैं तेरे अगेंस्ट नहीं गया हूं कोई भी बात में। नहीं, मैं तो डालूंगी, क्योंकि इस औरत ने मुझे बहुत परेशान किया, मैंने उसको मना हाँ किया तो था। देख भाई, अगर तूने अनम का कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो तूने वायरल की, ठीक है, तो अनम तो भाई साइड पे हो जाएगी भाई, फिर मैं तुझे देख लूंगा। लेकिन मैं डालूंगी इस बार इसका वीडियो। हाँ तो तू डाल, देख तेरे पास तो आ गई है वीडियो जैसे तूने बोला, ठीक है, तू भाई डाल के दिखा। नहीं पनोड़ी, मैं इस बार नहीं मानूंगी। मैंने पिछली बार तो मान लिया था, लेकिन इस बार नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूं ना भाई, मैंने तो आयशा को भी सपोर्ट किया था, मैंने तेरे ही लाइफ पे वो लड़की आई थी ना, वो विक्रांत प्रधान ने उसके साथ गलत किया था, मैं उस लड़की के साथ भी खड़ा था, ठीक है। अनम के साथ तेरी जो भी कॉन्ट्रोवर्सी है, तू गाली दे हर रोज दे, 24 घंटे दे भाई, अगर उसकी कोई भी पोस्ट, न्यूड पोस्ट और उसकी कोई भी वीडियो अगर तूने वायरल की मलाइका, ठीक है, तो फिर भाई सोच लियो, पनौड़ी आर्मी को तेरे घर में घुसा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। और मैं एनसीआर दिल्ली से नहीं हूं, और मैं हवाबाज भी नहीं हूं, तुझे खुद को पता है वो। तेरा दोनों आईडी भी उड़ा दूंगा, तुझे इंस्टाग्राम से मैं गायब कर दूंगा भाई, नहीं, लेकिन अगर तूने भी क्या हुआ। मैं फिर भी वीडियो डालूंगी इसका। मेरा 5 लाख डूब गया इसकी वजह से। देख तेरा 5 लाख राठी के साथ तेरा जो भी मतलब होगा, वो राठी का अनम के साथ जो भी होगा, वो अनम का वो 6-7 महीने पहले जो बंदा मिला था उसके साथ जो भी लेना देना होगा, वो सारी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे मेरे रहते हुए मैं किसी लड़की को नंगा नहीं होने दूंगा भाई। तू अभी गाली बोल, तुझे गंदी जितनी गाली बोलनी है बोल, तुझे जो करना है कर, ठीक है, वीडियो वायरल नहीं होने दूंगा भाई मैं। अनम इधर सुन रही है क्या तू? तूने किसके साथ क्या किया? तुझे तो मालूम ही होगा मेरे पास क्या आ चुका है। अनम नीचे है क्या? ठीक है, तो मुझे लोग बहुत सारे लोगों ने देख, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 हो गए हैं, मेरा स्टोर क्लोज के ऊपर का टाइम हो गया है, मुझे लोगों ने यहाँ पे 2-3 पनौड़ी आर्मी वालों ने फोन करके बोला क्या ये मलाइका को कोई बात करनी है, पनौड़ी भाई चले जाओ लाइव पे। भाई देख मैं तो रात को सो जाऊंगा, इंडिया में अभी दिन है, मलाइका कोई भी तूने हरकत की ना, मेरे धंधे की कसम खा के बोल रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम पे तेरा जीना आराम कर दूंगा भाई, मैं सच बोल रहा हूं मैं। उसका जो पूरा आया है ना, मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है कि अभी मैं उसको पोस्ट कर दूं, लेकिन मैं मेरे आईडी में नहीं करूंगी। चल ठीक है भाई, तू मुझे जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ, नीचे आर्मी के सब लड़के आ चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ जो लड़की का मैंने वीडियो ये सब डिलीट कर दिया है ना, फिर भी वो बोली आके, फिर उस दिन मुझे उसकी एक बातों में रोना आया आया कि नहीं? वही लड़की, अरे तू उसका भोसड़ा खोल दे, उसके पति को गाली बोल, उसके पाकिस्तान में घुस जा, यहाँ उसके घर में घुस जा, तुझे जो करना है कर भाई। आज तक तेरे बीच में कोई लेकिन पनौड़ी आर्मी वाला आज तक तेरे बीच में आया भाई? पाकिस्तान में कैसे घुसू, उसके घर में कैसे घुसू? इतने सारे लोग लाइव पे आते हैं, वो तेरा लुकआउट है, तुझे कैसे क्या करना है वो। देख तेरे पास वीडियो आ गई, वो बंदा कौन था मुझे भी लोगों ने वो भेजा है, क्या नाम है उसका, उमेश गुप्ता नाम है ना उस बंदे का। हाँ उमेश गुप्ता, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो अब भी पता चला कि ये उमेश गुप्ता नाम का कोई बंदा है जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, जो भी था वो, ठीक है। नहीं,
अफेयर इसके साथ चल रहा था, वीडियो कॉलिंग किसी और के साथ था। वो जो भी था, मुझे वो जो भी था, जिसके भी साथ इसका 5-6 महीने पहले जो कुछ भी हुआ, ठीक है, चाहे अनम हो, चाहे इंस्टाग्राम की दूसरी कोई लड़की हो, वो चाहे कुछ भी हो, वो लड़की की गलती होगी या नहीं होगी, भाई मैं वीडियो वायरल नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूँ उस वीडियो का? डिलीट कर दे। अरे मैंने कुछ किया है उसके लिए? कॉम्प्रोमाइज किया है तो तुझे कॉम्प्रोमाइज करने पहले सोचना चाहिए था ना, तुझे मुझे पूछना चाहिए था, तुझे दूसरे इंस्टाग्राम वालों को पूछना चाहिए। और मैं नहीं, एवरी सिंगल इंस्टाग्राम का अकाउंट तेरे अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज कोई कोई नहीं होने देगा, ये चीज, ठीक है, ये चीज कोई नहीं होने देगा। वो वीडियो के लिए ना मैं रात भर जगी हूँ पनोड़ी, समझो। अच्छा, तो तू हर बार मैं हार जाती हूँ, लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन इस बार मैं कुछ ना कुछ करूंगी इसके साथ। तो कुछ ना कुछ कर देना भाई, तुझे जो करना है वो कर दे। ये न्यूट, ये देख यार, ये चीज तो, ये चीज गलत है, ठीक है। मेरे पास भी हजारों लोगों की वीडियो है, मैंने तो आज तक किसी का कुछ वायरल नहीं किया। मेरे डीएम में भी हजारों लोगों, मेरे पास तो उसका भी न्यूड आया हुआ था जिसके साथ मेरी कॉन्ट्रोवर्सी मेरी खुद की हुई थी। वो तुम्हारे बॉम्बे की क्या लड़ना है उसका, जो कर ली है मालूम नहीं, तू नहीं जानती उसको। वो तो बहुत बड़ा अकाउंट है तुम्हारे महाराष्ट्र का। कर ली है? हाँ, करली बेब के ऐसा कुछ नाम है उसका। मैंने तो आज तक कभी उसकी वीडियो वायरल नहीं की, उसके साथ तो मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है, उसने तो मुझे ब्लॉक भी कर रखा है, फिर भी मैंने ये सारी चीजें नहीं की। तो कहाँ थे तुम जब वो लोग मुझे नंगा कर रहे थे, गालियां दे तो रहे थे? तू गाली देना भाई, तू कहाँ कम है। तू भी जब अपनी पे आती है, भोसड़े में एसिड डाल दूंगी, अनम तेरे भोसड़े को मैं बैंच आग लगा दूंगी, तुम भी कहाँ बोलने में पीछे हो। लेकिन मेरे पास जो वीडियो राठी की बहन को तुम चोदती हो, राठी की वाइफ को चोदती हो, राठी की बच्ची को घसीटती हो, सब इतने तो गालियां देती हो मलाइका, इससे तो कम क्या होगा भाई। तुमने तो वो लड़के की भी वीडियो उसके छोटे लड़के की भी वीडियो कहीं से तुम लोगों ने ढूंढ ली है। वो सब आया मेरे पास, पूरा न्यूड वीडियो। देख भाई, मुझे घर जाना है, मैंने सुबह से खाया नहीं है, ठीक है, बहुत दिन बाद मैं स्टोर पे आया हूँ, ठीक है भाई। देख, मैं लास्ट बात बोल के जा रहा हूँ, वीडियो वायरल मत कर दियो। मैं रिक्वेस्टली तुझे बोलता हूँ, एज अ गुड फ्रेंड बोल रहा हूँ, वीडियो वायरल होगी मलाइका, इंस्टाग्राम पे रहना तेरा भारी पड़ जाएगा। अच्छा, तो इंस्टाग्राम वालों ने मेरे क्या किया? किसने क्या किया तेरे साथ? इंस्टाग्राम वालों ने मेरे लिए कुछ किया? ये जो दिल्ली एनसीआर, ये चंडीगढ़ वाले प्रीत कितना गंदा गंदा गाली देते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठंडी हूँ इसलिए तो मैं ये करूँ। दो गाली लिखनी आती है तुम्हारी बहन के लौड़ो, तुम्हारी बहन चुदरी यहाँ पे, तुम्हारी माँ नंगी माधव चोदो। चल ठीक है मलाइका, मुझे जो बोलना था भाई मैंने तुझे बोल दिया, आगे तेरी मर्जी है, ठीक है। दूंगी न्यूड वीडियो, वो देख लेना। देख, मैंने तुझको जो बोलना था मैंने तुझे पे रिक्वेस्टली बोल दिया, कंट्रोवर्सी के चलते गाली गलोच, एक दूसरे की स्टोरी लगाना, एक दूसरे के मीम्स बनाना, भाई वहां तक मैं खुद इंसानियत में बिलीव करने वाला बंदा हूं, मैं वहां तक खुद मानता हूं कि ठीक है, ठीक है। अब उसने बिचारी ने 6-7 महीने पहले किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसने जो भी किया होगा, उसकी पर्सनल निजी लाइफ है, सामने वाले ने, बहन के लौड़े ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। अब वो बंदा बोल रहा है कि मेरे तो दिमाग का भोसड़ा हो गया, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। अरे भाई, उसकी लाइफ है, वो चाहे जिसके भी साथ बैनचोद रहे, उसमें कोई रोकने वाला किसी को क्या होता है। रोज जिसके साथ राजलीला करके
फिर वो पनोड़ी की साथ ये क्या नाम है उसका, वो भोसड़ी वाला रोहित राठी के साथ चिपक गई, तब तुमने मलाइका का दिल दुखाया, किसी और का दुखाया, आज इसकी इज्जत क्यों बख्श दूं मैं, क्यों दूं, क्यों दूं? चलो भैया, लोग लिख रहे पनोड़ी नीचे 5 लाख दिला दो। कौन से 5 लाख? तेरे 5 लाख? तू मादर चोद, देखो लोग लिख रहे रंडी है तू मादर चोद, बिल्कुल रंडी हूँ तभी तो मैं किसी और का नंगा फोटो दिखा रही हूँ, छिनाल होती तो थोड़ी ना दिखाती, मैं खुद ना छिनती खुद को। अबे चुदाई उसने किया, मलाइका ने नहीं किया, खुदाई उसने की, नंगी वो हुई है, मलाइका नहीं हुई है, जो मलाइका मादर चोद हो गई, मलाइका रंडी हो गई, बहन के लौट नाम आपको उसको बोलो ऊपर आने के लिए, है क्या नीचे पनोड़ी जी, प्लीज आपके दोस्त है ना, बता पनोड़ी रंडी, पनोड़ी अबे पनोड़ी रंडी कैसे हो गया मेरे को बोलते बोलते। चल ठीक है भाई, देख मैंने तो तुझे मलाइका मैं थक चुका हूँ, मैंने प्यार से तुझे बोल दिया, आगे तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन तेरे ये स्टेप से भाई मैं खुद तेरे अगेंस्ट हो जाऊंगा, जितनी भी बड़ी बड़ी आईडी है तेरे तेरे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, ये गंदा काम मत करना, आज तक इंस्टाग्राम पे ये गंदा काम हुआ नहीं है, लास्ट टाइम भी मैंने तुझे ऐसा वाले टाइम मैंने तुझे बोला था, यही सेम चीजें बोली थी कि बहनचोद आज तक इतना गंदा काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर से तुझे बोल रहा हूं मैं कि ये काम मत करना। पनोड़ी जी मलाइका नहीं थी ना तभी, आयशा ने मुझे गालियां दी थी, फिर भी मैंने उसका सपोर्ट किया था, क्यों? क्योंकि तुम लोग जो कर रहे थे वो गलत था, सोशल मीडिया पे किसी की न्यूड्स वीडियो वायरल करना मतलब तुम समझती हो, सामने वाले बंदी की लड़का होगा तो चलो लंड से, लड़के को क्या फर्क पड़ता है, लड़की की इज्जत का भोसड़ा हो जाता है, नहीं मैं अनाम तुझे नंगा तो है? करूंगी, चल ठीक है भाई, मुझे आगे तेरे से डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज आई नो यू आर साइको लेडी, ठीक है, मैंने तुझे जो बोलना था मैंने तुझे बोल दिया, चलो भाई, अनाम अनाम हंसते मिटा दूंगी तेरी, अनाम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रात भर तूने जगाया मुझे, कल शाम से जगाया तूने, मैं तेरी हंसती मिटा दूंगी अनाम, याद रखना तूने जो हरकत की ना लगा के वीडियो, तूने मेरा ना दिमाग हटा दिया, दिमाग एक तो मेरा पैसा डूब गया, ऊपर से तूने अपने चुदाई का मजा ली, फिर तू रोहित राठी से चुद रही है, फिर तू गोल्डी से चुद रही है, फिर तू वो राज से चुद रही है, दुनिया से तू मजा ले रही है बहन की लौड़ी, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं रंडी, मेरे को तो पैसा लेना था, दुनिया से मजा तू ले रही है, पर्दा लगा दू खिड़की से दिखता है, दुनिया से मजा तू ले रही है रंडी, हाँ मेरा पैसा भी डुबो दी तूने, हाँ मैं तेरे को तो नहीं छोड़ूंगी, भलो कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं बख्शूंगी, तू या तो तू या तो मैं, 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 दोनों में तुझे मालूम है ना तूने किसके साथ क्या किया, लाइव पे आ जा मेरे सामने, मेरे लाइव पे आ जा और तू बता कि तूने किसके साथ मुंह काला किया था, घुटरगू किससे किया था, वो गाना सुना है दलाल मूवी का, मर गए फोकट में हम कोई तो हमको लियो बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिस
के वार सही ना जाए। अरे मर गए फोकट में हम, कोई तो हमको लियो बचाओ। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। हाँ मैं कुछ अभी नहीं दिखाऊंगी, ना ना वो पूरा ओपन वीडियो है। मैं तो हल्का फुल्का दिखा सकती हूँ तुम लोगों को, मैं पूरा नहीं दिखा सकती। वो क्या है ना, कुछ रूल्स होते हैं हम अकाउंट्स लोगों के, अभी बड़े बड़े अकाउंट्स लोगों को बताना है मुझे, मतलब एक सैंपल भेज के दिखा दूंगी। जब वो उनको मजा आएगा, बोलेंगे हाँ दिखा हम बैठते हैं, तो ही दिखाऊंगी। नहीं तो अनाम तू आना मेरे लाइफ पे, और तू अपने मुंह से बोलना तूने अपने मुंह किससे काला करवाया ऑनलाइन में। दूर जाके पूरा बॉडी दिखाया तूने, पर लड़के का कोई फोटो नहीं है, उसने पूरा अंधेरा करके रखा था। चुतिया अनाम की स्टोरी कौन सी वाली? मेरे लिए लगाया, मेरे लिए लगा, लगाने दो। अरे मैं कैसे देखूं उसका कैसा? मेरी स्टोरी लगा मुझे, अरे मुझे उसने ब्लॉक करके रखा है। रुको खुशी देखेगी। मादर चोद, ओ रैली, हेलो हेलो हेलो। हाँ उसने स्टोरी क्या लगाया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा, एक आई मम्मी। अरे मरेंगे फोकट में हम, हमको लियो अरे ये मेरा अरे मेरा बॉयफ्रेंड का है, ये बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। अरे अनाम मैं अब भी लगा देती हूँ पूरा वीडियो डांस का अरे शी इज माय बॉयफ्रेंड बताओ अब पनोड़ी पनोड़ी इधर आओ। किधर गया पनोड़ी? अरे पनोड़ी किधर गए? अरे मेरे पास इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो है, इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो है। ये तो स्क्रीनशॉट है, ये मैं दिखा रही थी लाइव पे अरे मैं ओरिजिनल डालू? रुक जा अभी थोड़ी देर के बाद डालती हूँ। ये पूरा पनोड़ी, ये देखो उसने स्टोरी लगाया, अभी तुम उसकी तारीफ दारी कर रहे थे ना, ये देखो ये देखो देखो, अभी भी रंडी को शर्म है। अब बोलो चलो पनोड़ी, अभी भी उस रंडी को शर्म है? ये देखो मेरे पास तो पूरा
पूरा वीडियो है, 10-12 मैंने बनाया है, ये देखो मैं दिखा रही हूँ। ये क्या है? ये देखो। दिख रहा है? अबे रंडी, ओ रंडी। ये तो मैंने लाइव पे दिखाया था, ये मेरे पास वीडियो रखा हुआ है। अरे वही है जो इसका वीडियो डाला है मैंने। क्या है यार साली चुदली। अरे मुझे ये सब चीजें देख के बिल्कुल शर्म नहीं आती। इज माय बॉयफ्रेंड। हाँ ये तो मेरे डीएम में पड़ा हुआ है। रंडी मैं अभी अभी इसमें लाइव मैं तुम लोगों को कैसे वीडियो दिखाऊं, क्योंकि इसका कैसे दिखा सकती हूँ मैं इस पे। अरे मेरे बहुत वीडियो पड़े हुए, कहाँ गया? इस पे नहीं दिखा सकती यार। मेरे दूसरे आईडी पे बहुत सारे वीडियो है उसका, मेरा वो मना करता है। किस करता हुआ, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे किस करता हुआ मैं डालू तो स्टोरी डालेगी ना, मेरा वीडियो डालेगी। मैं तुझे मैं अभी डालती हूँ ना वीडियो, तू आराम से डाल दे। ठीक है वैन की लौड़ी। हाँ पनोड़ी जी, अब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको बहुत शौक है, अभी भी वो पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ? तुझे अभी भी शर्म नहीं है? मैं मेरे आईडी में इसलिए नहीं लगा रही हूँ ताकि भाई मेरे आईडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, इसलिए नहीं लगा रही हूँ। उस दिन मैं आईडी पे दिखा रही थी गोल्डी हर्षाना के, कि ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड का, दिखा रही थी कि नहीं? हेलो अब तो देखो, उसने पहले स्टोरी लगाया ना, आपने तो कुछ मैंने किया भी अभी नहीं। तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। उसने आपका वो फ्रेंड है, जो भी है, मतलब फ्रेंड है आपका, उसका तो वो स्टोरी लगाया अरे उसने। अरे मेरे इसमें तो बहुत है। हाँ वो तो आपने पहले दिखाया था लाइव पे, वो तो आपने वीडियो हाँ डाला था नहीं, वो ना। वीडियो अभी भी डला हुआ है, लेकिन ये वाला वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो ये यहाँ पे किस कर रहा था। अबे मेरा अरे वही मेरा ना, इंस्टाग्राम ये किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो, और वो आपने तो डाला नहीं पहले, अब स्टार्ट उसने किया। रोहित राठी ने लिया था, मैं रोहित राठी को और लाइव। ऐसे पनौड़ी भाई बोल रहे थे, पनौड़ी भाई ने भी तो कीर्ति पटेल का न्यूड चलती लाइव पे दिखाया था, तो उस टाइम भी तो वो क्या था, दुश्मनी सब निकालते हैं। नहीं अभी अभी बोलो भाई, तुम लोग बोलो मुझे क्या करना है। चलो नीचे से लिखो, अब मैं भी क्या डाल दूं देखो स्टार्टिंग, लेकिन क्या है ना, मेरे दोस्त को प्रॉब्लम ना हो ना। हाँ लेकिन स्टोरी तो वही लगा रही ना, आपने तो लगाया नहीं पहले। ये उड़ता हुआ तीर अपने गांड में चूत में ले रही है। गांड में भी नहीं, चूत में, सीधा सीधा बट देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, सबने या कम सब कुछ कर रखा है। फक में बेबी, ऐसा वो मतलब बोलना चाहती है। स्टोरी तो आपने पहले लगाया नहीं था, स्टोरी तो पहले उसने मैंने लगाया अभी भी था। नहीं लगाया। अब बात रहा वीडियो वायरल करने का, तो बहुत लोगों ने बहुतों का वीडियो वायरल यहाँ किया हुआ है, बट वो सही नहीं है। हाँ नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं उसको उसको बोलना मैं मेरा और फोटो दूंगी बॉयफ्रेंड के साथ। तो सीधी सी बात है, आप उसको बोलो वीडियो डिलीट करने के 2 लाख दो, वीडियो डिलीट कर। नहीं अभी नहीं, मैंने मुझे जो बोलना था वो बोल दिया। अभी रात की लाइफ पे भाई, अगर मैं बाहर नहीं गई और घर पे ही रही आज भी, ये कौन है अनमोल? ये मैं देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम एक ऊपर आओ। बाकी वायरल करने का तो यहाँ बहुत लोगों ने वायरल किया हुआ है, लेकिन
और जब खुद की दुश्मनी में आते तो लोग उस टाइम कर देते हैं, और अभी मतलब वो होता है तो बात वही हो जाती है ना अरे वो सुपर खुद के टाइम पे। आइए ना, आप कुछ आप बोलना चाहते हो किसी से? आपने कुछ बुलवाया था, तुम्हारी आईडी भी बताई थी, ये आईडी से फोन आ रहा है, करवाया था तुमने? तुमको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? आ रही है कि नहीं? ऊपर तेरे कितने कौन पंगा है? थे ना, गाड़ में डाल दूंगी मैं। ऊपर आके बात कर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हाँ रियली? अबे ऊपर आना, ऊपर आ। कौन है ये? नीचे देखो, शुक्ला करके है कोई। कौन? अनीता शुक्ला के न्यूज वायरल मत करिए, साइबर क्राइम है। देख ओके अच्छा, ये लेडी है, ये अनीता शुक्ला। इन्होंने तो स्टोरी नहीं वायरल किया ना नीता जी, पहले आप उसकी स्टोरी देखो, उसी ने स्टार्ट करना शुरू किया। इन्होंने तो अभी तक तो कुछ शेयर भी नहीं किया, इन्होंने ना स्टोरी लगाई ना कुछ शेयर किया, इन्होंने सिर्फ बोल दी है, ये सिर्फ माइंड गेम खेल रही है अभी, तो इन्होंने कुछ एक्शन थोड़ी नहीं लिया, तो सिर्फ बोल रही है। देख मैं गाली देने में आना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ बेटा अनीता, ठीक है? उठ जा यहाँ से, संगू बहन भी जैसे इनकी है। मादर चोट की वजह से उसको शेक मिल रहा है। वो कहती ने क्या किया था आपके, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ तो अनीता एक बार मेरे साथ है ना लाइव पे आना, मेरे साथ लाइव पे आना, ठीक है? लाइव पे आना, और जो तू रोहित राठी की तरफ से बोल रही है ना भाई, तू मत बोल, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तू क्या है? रोहित राठी की सिस्टर है तू? जिसकी भी सिस्टर है, रोहित राठी की गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, मुझे क्या पता। लेकिन तू जो वहां से बाहर बैठ बैठ के उसको सहारा दे रही है ना, जिस दिन तेरे को चबा के खा जाएगी ना, खा जाएगा ना वो, अच्छा। तो एक 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 काम कर, अनाम का स्टोरी देख के आ, अच्छा मुझे ऐड करो यार। हाँ, कांकु बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलाइका। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, काफी दिनों से। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ। ये अनीता को जानते हो क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, हम कम लोगों को जानते जो हमारे बीच में ही है बस। कौन है नीता? तो पागल है तो तेरे भाभी को समझा ना, या तेरी सौतन को।